नमस्कार जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोजनरिस। आज का वीडियो है राशि चक्र की आठवीं राशि जल तत्व की राशि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर 2020 का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में आपको बता दें कि ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि आधारित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र 8 नंबर में लिखा है तो आपकी राशि वृश्चिक है और ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर 15 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके वृश्चिक राशि में है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों वृश्चिक राशि के अंदर है तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह मंगल ग्रह की टंडित से। तो मंगल ग्रह का जो भ्रमण है वो 9 सितंबर से लेकर 13 नवंबर तक मंगल वक्री चलने वाले हैं। मंगल का वक्री होना शुभ फल देने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके राशि के अधिपति हैं और वक्री चलने के कारण क्या होगा कि आप हर कार्य में विलंब महसूस करेंगे, हर कार्य में डिले महसूस करेंगे, तो आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके भाई बंधु सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके नेबर्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सब जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि मंगल 4 अक्टूबर तक आपके लिए छठे स्थान के अंदर है, शत्रु स्थान के अंदर है जो कि रोग शत्रु पर आपको विजय देने वाले हैं, लेकिन मंगल का ये वक्री चलना 9 सितंबर से 13 नवंबर 13 नवंबर तक ये मंगल आपको इसका शुभ फल देने वाले नहीं है। आप हर कार्य में विलंब महसूस करेंगे, डिले महसूस करेंगे। तो मंगल का जो भ्रमण है वो छठे स्थान में वैसे रोग शत्रु पर विजय देने वाला है, लेकिन ये ट्रांजिट 4 अक्टूबर तक होगी। उसके बाद मंगल 4 अक्टूबर से वक्री होकर चलते हैं मीन राशि के अंदर। तो पंचम स्थान में चलने वाले मंगल वंस अगेन आपको संतान रिलेटेड चिंता टेंशन आपका बढ़ा सकते हैं। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि करने वाले जातकों के लिए भी समय शुभ नहीं होगा। मंगल का जो भ्रमण पंचम स्थान में होगा इसमें खास करके पढ़ाई करने वाले जातकों को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ सकता है और संतान रिलेटेड चिंता टेंशन आपका बढ़ सकता है। मित्रों के साथ भी रिलेशन में तनाव आ सकता है और 12वें स्थान में मंगल की दृष्टि होने के कारण मेडिकल एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं 4 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 17 अक्टूबर को जो सूर्य चलने वाले हैं वो राशि से 12वें स्थान के अंदर चलेंगे। ये चलेंगे आपके शनि और मंगल की दोनों की दृष्टि में। तो ये स्थान में क्या होगा कि 17 अक्टूबर के बाद जो सूर्य चलेंगे तुला राशि में 12वें स्थान के अंदर, तो ये मंगल और शनि की संयुक्त दृष्टि के अंदर होंगे। और 12वें स्थान में होने वाला जो योग है अंगारक योग, शनि मंगल अंगारक योग, सूर्य मंगल अंगारक योग और शनि सूर्य अशुभ योग, राशि से 12वें स्थान में होने वाले जो ये अशुभ योग है तीन डबल अंगारक योग प्लस अशुभ योग, इसके इम्पैक्ट में क्या होगा कि गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम है तो उसमें आपको भारी लॉसिस आने की संभावना रहेगी, गवर्नमेंट से लॉसिस होने की संभावना रहेगी। तो कोर्ट कचहरी के इत्यादि के कोई कार्य हैं तो उसमें भी आपको लॉसिस आने की संभावना रहेगी। खुद का हेल्थ का केयर करना पड़ेगा, फादर के हेल्थ का केयर करना पड़ेगा। तो जॉब करने वाले जातक हैं इनको अपर लेवल से भी टेंशन स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है, तो स्ट्रेस लेवल जो है वो आपका बढ़ेगा। जब 17 अक्टूबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके चलेंगे आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर, तो सूर्य शांति के लिए क्या करना है अभी से आप उपचार कर सकते हैं। सूर्य जो तुला राशि में चलेंगे इसका जो नक्षत्र होता है ये चित्रा नक्षत्र से स्टार्ट होता है, तीसरा का चित्रा का तीसरा और चौथा चरण स्वाति और विशाखा। तो इसकी शांति के लिए आपको अभी से भैंस को खिलाने का आप प्रयोग कर सकते हो। भैंस को दालिया और गुड़ ये चीज़ मिक्स करके आप भैंस को खिलाने का प्रयोग अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो,
दिन में 3 बार सूर्य दर्शन करें, सुबह में, दोपहर में बिफोर सनसेट, खाना खाने के बाद एक एक इलायची का प्रयोग करें सूर्य ग्रह की शांति के लिए। वो दिन में 3 बार सूर्य का दर्शन करना है। 17 अक्टूबर को जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन संक्रांति का जो पुण्य काल रहेगा सुबह सूर्योदय से लेकर 12 बजे तक, तो ये समय के अंदर आप मैक्सिमम सूर्य का मंत्र करें और ध्यान करें, दान करें और अपने इष्ट देव देवी का ध्यान करें। अन्यथा आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप मंत्र कर सकते हो ओम नमः शिवाय, सिंपल पंचाक्षर मंत्र है। और दिन में 3 बार सूर्य दर्शन करना है, सुबह में, दोपहर में एंड बिफोर सनसेट। तो सूर्य का ट्रांजिट जो है वो 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक का जो अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का पीरियड है आपके लिए बहुत क्रुशियल पीरियड रहने वाला है। इसमें आपके खर्च भी बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ेंगे और हेल्थ वाइज भी आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अक्टूबर महीना जनरली आशो महीना जो आता है ये आपके लिए घात चक्र में भी आता है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत क्रुशियल है। और जो बुध का भ्रमण होगा वो 22 सितंबर से लेकर 28 नवंबर तक तुला राशि के अंदर चलेंगे, तो ये ट्रांजिट भी बुध का शुभ नहीं होगा। राशि से 12वें स्थान के अंदर बुध होंगे, भले आपके 8वें स्थान के मालिक ऊपर 12वें स्थान में बैठे हैं, इस मिनट के विपरीत राजयोग कर रहे हैं, लेकिन वैसे ये खाड़ा का स्थान माना गया है। 12वां स्थान जो है वो खाड़ा का स्थान है और ये शुक्र की राशि बुध को शूट नहीं होती, क्योंकि शुक्र और बुध जो है वो परम शत्रु हैं। तो ये जो पीरियड है 22 सितंबर से लेकर 28 नवंबर तक, जिसमें बुध चलने वाले हैं तुला राशि में 12वें स्थान के अंदर, ये समय के अंदर आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है, अन्यथा आने वाले समय के अंदर आपको इसका विपरीत परिणाम भुगतना पड़ सकता है। फाइनेंशियल लॉसेस आ सकता है। जो बुध है आपकी राशि के अष्टम स्थान के और लाभ स्थान के मालिक हैं तो लाभ मिलने में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर के अंदर। तो ऐसा कहते हैं कि जब बुध 12वें स्थान में चलते हैं तो बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलती है, तो ऐसी परिस्थिति में लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने का आता है तो जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। जो डेट रहेगा 22 सितंबर से लेकर 28 नवंबर, तो अक्टूबर तो पूरा आ ही जाता है इसके अंदर। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 17 अक्टूबर के बाद थोड़ा भारी समय शुरू होता है 1 महीने के लिए, क्योंकि सूर्य भी 12वें स्थान के अंदर होंगे। और प्रेडिक्शन में बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में, तो गुरु आपके धन स्थान के अंदर हैं जो आपके कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि करने वाले हैं, रोग शत्रु पर विजय देने वाले हैं। 8वें स्थान में गुरु की दृष्टि आयुष्य को बल में वृद्धि करने वाली है, आपके इन लॉस की ओर से सपोर्ट रहेगा। और 10वें स्थान में गुरु की दृष्टि होने के कारण बिजनेस में, करियर में धीमी गति से आप प्रोग्रेस महसूस करेंगे। शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है, 27 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक शुक्र 10वें स्थान के अंदर चलेंगे, जो कि जो कोई भी जातक लग्जरियस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है उनके कारोबार में धीमी गति से आपको प्रोग्रेस होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और 23 अक्टूबर को शुक्र चलेंगे कन्या राशि में, तो ये चलेंगे आपके लाभ स्थान के अंदर, तो ये ट्रांजिट भी आपके लिए शुभ है, लव मैटर में सक्सेस देने वाला होगा। 23 अक्टूबर के बाद शुक्र पंचम स्थान में दृष्टि करेंगे, जो कि आपके संतान रिलेटेड आपके कार्य इजीली होंगे, क्योंकि आपके शुक्र की उच्च घर में दृष्टि होगी और लव मैटर में सक्सेस देने वाला बनेंगे। तो शनि आपके पराक्रम स्थान में चल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत शुभ है नए साहस करने के लिए, नए साहस में वृद्धि करवाएंगे। लेकिन 12वें स्थान के अंदर शनि की 10वीं दृष्टि है जो शुभ नहीं है, ये स्थान 12वां स्थान आपका डैमेज हो रहा है। अक्टूबर के अंदर सूर्य शनि की दृष्टि में, मंगल की दृष्टि में और सूर्य की ये नीच राशि है, जिसके कारण आपको अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना होगा। फादर के हेल्थ, घर में जितने भी बुजुर्ग हैं आपके, ये सबका हेल्थ केयर करना होगा। तो राहु केतु का ट्रांजिट क्या है ये भी देख लेते हैं। राहु आपके सप्तम स्थान के अंदर है और केतु आपकी राशि के अंदर है। केतु आपकी आइडियोलॉजी में वृद्धि करने वाले हैं। केतु का ट्रांजिट खास करके
वृश्चिक राशि में जो कोई भी जातक का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है इनके लिए शुभ नहीं है, लेकिन वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए ज्यादा शुभ फल देने वाले होंगे और ज्येष्ठा के लिए भी इतना अशुभ फल करने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी शुभ फल देने वाले होंगे। और राहु सप्तम स्थान में जो मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं, ये खास करके वृश्चिक राशि में जिनका भी जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है इनके लिए ज़्यादा शुभ फल देने वाले होंगे, पब्लिक लाइफ में सक्सेस देने वाले होंगे, आपके पार्टनर से आपको बेनिफिट करने वाले होंगे। तो राहु का केतु का ट्रांजिट खास करके दाम्पत्य जीवन को भी थोड़ा प्रभावित करने वाला होगा। जो भी जातक विवाहित है, मैरिड है, इनको रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ कुछ ज़्यादा ही केयर करना होगा कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ज़्यादा ना बढ़े। यदि बिजनेस में भी पार्टनरशिप है या तो आप विवाहित हैं और आपके पार्टनर के साथ रहते हैं तो आपको पार्टनर के साथ आपके रिलेशन में तनाव ना आ जाए उसका खास केयर करना होगा। और 4 अक्टूबर के बाद मंगल की जो दृष्टि आपके अष्टम स्थान में होगी जिसके कारण आपको जो भी जातक विवाहित हैं इनको अपने इन लॉज के साथ भी रिलेशनशिप में विशेष केयरफुल रहना होगा। तो कौन कौन से डेट्स आपको ज़्यादा टेक केयर करना होगा इस मंथ के अंदर वो इस प्रकार रहेगा, 8, 9 और 10, जिसमें चंद्र चलेंगे मिथुन राशि में। तो मिथुन के चंद्र राशि से 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 8वें चंद्र में आपको पानी से बचना होगा, व्हीकल ड्राइव में केयर करना होगा और पारिवारिक मामलों में केयर करना होगा। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 16, 17 और 18, जिसमें चंद्र चलेंगे तुला राशि में। तो तुला के जो चंद्र हैं ये राशि से 12वें स्थान के अंदर होंगे और ये अमावस्या होगी और 16, 17, 18 का जो है अक्टूबर, तो इसमें ये अधिक आसो है और 16 तारीख को अमावस्या भी है, सूर्य चंद्र साथ में होंगे और खास करके इसमें आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। जो डेट रहेगा 8, 9, 10 जिसमें चंद्र मिथुन में चलेंगे, उसके बाद 16, 17, 18 जिसमें चंद्र तुला में चलेंगे, उसके बाद आपको 25, 26, 27 कुंभ राशि में चलेंगे। ये तारीखों के अंदर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। वैसे तो आपको 22 सितंबर से लेकर 28 नवंबर तक का जो पीरियड है इसमें आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है लाइफ का तो जल्दबाजी में नहीं लेना है। यदि आपकी जानकारी में आपके कोई मित्र हैं वृश्चिक राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करिए। और जिनका भी जन्म 15 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में हुआ है इनको भी ये वीडियो आप जरूर शेयर करें, ताकि इनके भी जन्म के सूर्य वृश्चिक राशि में होंगे उनको भी ये प्रेडिक्शन असर करने वाला होगा। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन आप एब्सोल्युटली फ्री में पूछ सकते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस व्हाट्सएप करके आप जान सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप में आंसर करेंगे। हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए ऐसा लिख के आप व्हाट्सएप कर लीजिए, हम आपको एज सुन एज आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। नंबर इस प्रकार रहेगा 9998011838, 9998011838। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ।